अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 10.4 का। क्वेश्चन नंबर 5 और इसका थर्ड पार्ट है। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए थर्ड पार्ट, फर्स्ट, सेकंड और फर्स्ट तीनों जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड साइन ऑफ, लेफ्ट हैंड साइड साइन ऑफ 10, साइन 30, साइन 50 और साइन ऑफ 70। साइन 30 की टेबल वैल्यू पुट करेंगे 1/2, रिमेनिंग रह गया साइन 10, साइन 50 और साइन ऑफ 70। तो इस पे हमने फार्मूला बनाना है। फार्मूले के लिए हमें यहाँ पे -2 की ज़रूरत है, तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे बाय -2 के साथ। 1/2 मल्टीप्लाई 1/-2 साइन 10, लास्ट वाले दोनों फंक्शंस पे फार्मूला अप्लाई करना है साइन 50 और साइन 70 पे, तो इनको -2 पे मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, यहाँ पे जो फार्मूला अप्लाई करेंगे वो होगा 2-2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा। फर्स्ट एंगल अल्फ़ा हो जाएगा और सेकेंड एंगल जो है बीटा। 1/2 मल्टीप्लाई -1/2, 1/-4 और साइन 10, फार्मूला अप्लाई किया कॉज ऑफ अल्फा 50 प्लस बीटा 70 माइनस कॉज अल्फा 50 माइनस बीटा माइनस 70। -1/4 साइन 10 एज इट इज कॉज ऑफ 50 प्लस 70 120 माइनस कॉज ऑफ -20 हो जाएगा। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। -1/4 को मल्टीप्लाई कर देंगे -1/4 साइन 10, पहले वैल्यू पुट करते हैं फिर मल्टीप्लाई करेंगे। कॉज 120 की वैल्यू लगा देनी है, कॉज 120 की वैल्यू -1/2 आ जाएगी। -1/2 कॉज के एंगल के साथ माइनस है, कॉज इसको प्लस कर देगा। मल्टीप्लाई किया -1/4 मल्टीप्लाई -1/2 +1/8 और साइन 10। -- प्लस 1/4 साइन 10 को मल्टीप्लाई कर दिया कॉज 20 के साथ। फिर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे +1/2, 2 से डिवाइड 1/2 और 2 से ही लास्ट वाले दोनों फंक्शंस को मल्टीप्लाई साइन 10 और कॉज 20 को। अब यहाँ पे जो फार्मूला हम यूज़ करेंगे, यहाँ पे 2 साइन अल्फ़ा कॉज बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। इस फार्मूला अप्लाई करना है और इसके बाद सिम्प्लीफिकेशन। 1/8 साइन 10 एज इट इज़ 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, 1/4 साइन अल्फ़ा 10 प्लस बीटा 20 प्लस साइन अल्फ़ा 10 माइनस बीटा माइनस 20, 1/8 साइन 10 प्लस 1/4 साइन 10 प्लस 20 30 प्लस साइन 10 माइनस 20 माइनस 10 डिग्री, 1/8 और साइन 10 प्लस 1/4 साइन 30, 1/2 साइन के एंगल के साथ माइनस है बाहर निकाल देगा, माइनस प्लस माइनस और साइन 10 हो जाएगा। 1/8 और साइन 10, 1/4 मल्टीप्लाई 1/2, 1/8 प्लस माइनस माइनस 1/4 और मल्टीप्लाई साइन जो है वो 10 आ जाएगा। यहाँ कोई मिस्टेक हो गया जिसकी वजह से आंसर जो है वो सेम नहीं आता। पहले मिस्टेक जो है इसको चेक करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे मिस्टेक है, ये जहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया ना, ये 1/4 है तो यहाँ 1/2 लिखा गया। 1/4 मल्टीप्लाई 1/2 ये 1/8 हो जाएगा, तो यहाँ मिस्टेक आ गई। 1/8 और मल्टीप्लाई 1/2 तो ये हो जाएगा 1/16। 1/8 मल्टीप्लाई 1/2
तो इसको लिख दिया 1/16, 1/16 और प्लस माइनस माइनस 1/8 और मल्टीप्लाई बाई साइन 10, 1/8 साइन 10 माइनस का और प्लस का कैंसिल इज इक्वल टू 1/16, यानी राइट हैंड साइड आ गई हमारे पास।